कोरोना वायरस से रिलेटेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सांस संबंधी प्रॉब्लम है, और अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो धीरे धीरे आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इतना बलगम जम जाएगा कि अंदर हवा जाएगी नहीं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस फेफड़ों में जाने से पहले 3 दिन तक आपके गले में जिंदा रहता है। अब इससे बचने के सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, लगातार गर्म पानी पीते रहिए और ठंडी चीजों से दूर रहिए। नंबर 2, नमक के गरारे लगातार करते रहिए। नंबर 3, विटामिन सी से रिलेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को खाइए। नंबर 4, अगर आप बाहर जाके आए हैं तो प्लीज अंदर आते ही अपने कपड़ों को धोने डालिए और आप फटाफट से शावर ले लीजिए। जितना ज्यादा अपने आप को बचा के रखेंगे और घर पे रहेंगे उतना ही आप लोग सुरक्षित रहेंगे। सो स्टे सेफ, लेट्स फाइट विद कोरोना। कोरोना वायरस से रिलेटेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सांस संबंधी प्रॉब्लम है, और अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो धीरे धीरे आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इतना बलगम जम जाएगा कि अंदर हवा जाएगी नहीं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस फेफड़ों में जाने से पहले 3 दिन तक आपके गले में जिंदा रहता है। अब इससे बचने के सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, लगातार गर्म पानी पीते रहिए और ठंडी चीजों से दूर रहिए। नंबर 2, नमक के गरारे लगातार करते रहिए। नंबर 3, विटामिन सी से रिलेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को खाइए। नंबर 4, अगर आप बाहर जाके आए हैं तो प्लीज अंदर आते ही अपने कपड़ों को धोने डालिए और आप फटाफट से शावर ले लीजिए। जितना ज्यादा अपने आप को बचा के रखेंगे और घर पे रहेंगे उतना ही आप लोग सुरक्षित रहेंगे। सो स्टे सेफ, लेट्स फाइट विद कोरोना। कोरोना वायरस से रिलेटेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सांस संबंधी प्रॉब्लम है, और अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो धीरे धीरे आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इतना बलगम जम जाएगा कि अंदर हवा जाएगी नहीं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस फेफड़ों में जाने से पहले 3 दिन तक आपके गले में जिंदा रहता है। अब इससे बचने के सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, लगातार गर्म पानी पीते रहिए और ठंडी चीजों से दूर रहिए। नंबर 2, नमक के गरारे लगातार करते रहिए। नंबर 3, विटामिन सी से रिलेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को खाइए। नंबर 4, अगर आप बाहर जाके आए हैं तो प्लीज अंदर आते ही अपने कपड़ों को धोने डालिए और आप फटाफट से शावर ले लीजिए। जितना ज्यादा अपने आप को बचा के रखेंगे और घर पे रहेंगे उतना ही आप लोग सुरक्षित रहेंगे। सो स्टे सेफ, लेट्स फाइट विद कोरोना।